नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और शो पे जिसका नाम है स्पोर्ट विद मोहराज। तो गाइस, इस शो पे ये पहला एपिसोड है, तो इस शो पे हम आपको बताएंगे स्पोर्ट्स से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें इंडियन टीम के बारे में, अदर टीम्स के बारे में। तो इस शो की पहली खबर ये है, कल इंडिया का बांग्लादेश से तीसरा T20 यानी फाइनल T20 मैच था, जिसमें भारत ने पहले टॉस जीता, उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करते हुए इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा 4 रन बना के आउट हो गए, सबसे पहला विकेट अभिषेक शर्मा गिरा। उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप हुई संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं 75 रन 35 बॉलों पे और सैमसन ने बनाए हैं 111 रन 47 बॉलों पे, इन दोनों की मदद से। इसके बाद रियान पराग ने 34 रन, हार्दिक पांड्या ने 47 रन। इसकी मदद से इंडिया टीम ने 297 रन, जो कि सेकेंड बिगेस्ट स्कोर है T20 में किसी भी टीम का, 6 विकेट के नुकसान पे बनाए हैं। टारगेट 298 था बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश की पूरी टीम महज 164 रन बना पाई 7 विकेट के नुकसान पे अपने पूरे 20 ओवर में। बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा रन तौहीद हिरदोई ने बनाए हैं, जिन्होंने 63 रन बनाए 42 गेंदों पे। उसके बाद लिटन दास ने 42 रन बनाए 25 गेंदों पे। और भारत की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग की हमारे रवि बिश्नोई ने, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट लिए। और इसी तरह भारत ने ये मैच 133 रनों से जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन हैं और उन्हें होना भी चाहिए था। दूसरी और इंडिया ने ये मैच 3-0 इंडिया ने ये सीरीज 3-0 जीत ली। इसी तरह मैन ऑफ द सीरीज हार्दिक पांड्या रहे हैं। और अगर बात करें इंडियन टीम का, जो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज है अपने होम ग्राउंड में, उसकी टीम अनाउंस हो गई है। सेम वही टीम है जो बांग्लादेश के खिलाफ थी इंडियन टीम। इसमें कप्तान रोहित शर्मा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, सरफराज खान हैं, ऋषभ पंत हैं, ध्रुव जुरेल हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराब और आकाशदीप। सेम वही टीम है जो पहले थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड सीरीज इंडिया की अपकमिंग सीरीज होगी, 3 मैचों की सीरीज है, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के एपिसोडों में। तो गाइस, आज की न्यूज़ में इतना ही था, आपको मैंने न्यूज़ दी, इस ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, आगे चल के और भी खबरें देंगे आपको, इस क्रिकेट से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देंगे। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।